आज नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में जानते हैं। नवरात्र का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी आदिशक्ति स्वरूपा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उनका नाम आदिशक्ति पड़ा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता की भुजाओं में सिद्धियों से युक्त जपमाला, धनुष, बाण, शंख, गदा, चक्र, कमंडल और अमृत का कलश है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कूष्मांडा ने ग्रह, तारे, सूर्य और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कूष्मांडा के स्वरूप और कथा के बारे में। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कूष्मांडा को कुमड़े की बलि बहुत प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कूष्मांडा कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कूष्मांडा का मतलब कुमड़ा है। कुमड़े को कूष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा पड़ा। इन देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। वही माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण माँ कूष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कूष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी कूष्मांडा की पूजा पाठ करता है, उससे माँ प्रसन्न होकर उसके समस्त रोग शोक नष्ट कर देती हैं। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये था माँ कूष्मांडा का स्वरूप और उनकी कथा। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है और उन्हें सफेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति का पूजन करें। पूजा के बाद माँ कूष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर पढ़ें। तो ये थी आज की कथा।